नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आपको बता दें कि पुरानी स्कीम को लेकर के वित्त मंत्री सीतारमण का बड़ा बयान सामने आ गया है। उन्होंने अपनी तरफ से जो है नए नियम लागू कर दिए हैं और उस नए नियम के तहत तमाम राज्यों के जो सरकारें हैं उन सभी को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि पुरानी पेंशन के दम पर ही कई राज्यों में जो है चुनाव जीते गए थे और अब उसके ऊपर इस तरीके से तगड़ा झटका लगना इस बात की ओर संदेश दे रहा है कि आने वाले समय में जो है बीजेपी भी अपनी तरफ पूरी तैयारी में। बहरहाल यहाँ पर जो है वित्त मंत्री ने क्या कुछ कहा, सुनिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को नई पेंशन योजना के लिए अलग रखे गए पैसों को राज्य सरकारों को पुरानी पेंशन योजना के लिए देने से इनकार कर दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि अगर कोई राज्य किसी वजह से ये फैसला लेता है कि एनपीएस का फंड केंद्र से लिया जा सकता है तो ये उपलब्ध नहीं होगा। बताना जरूरी है कि राजस्थान में हाल ही में अपने राज्य कर्मचारियों के लिए ओपीएस की घोषणा की थी। दरअसल कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश में भी ओपीएस को लेकर के जो है इस पुरानी पेंशन योजना को झटका लगेगा। सीतारमण ने कहा है कि ये कर्मचारी का पैसा है और वो पैसा सेनावृत्ति के समय या फिर कर्मचारी को इसकी जरूरत होगी तो ही कर्मचारी के हाथ में आएगा। निर्मला सीतारमण ने सोमवार को जयपुर में एक होटल में बजट पर चर्चा के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि इकट्ठा किया गया पैसा राज्य सरकार के हाथ नहीं आएगा, सही समय आने पर ही ये पैसा कर्मचारी को दिया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही मुफ्त योजनाओं का सीतारमण ने कहा कि जब सरकार की वित्तीय स्थिति अच्छी होती है तो ऐसी योजनाएं चलाते हैं, अपने बजट के लिए उनके प्रावधान करें। यदि आपके राज्य की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, आप बजट में प्रावधान नहीं कर रहे हैं, आप उसके लिए कर्ज ले रहे हैं, तब ये सही नहीं है, ये पैसा कौन देगा। इसीलिए वित्त सचिव ने कहा है कि मुफ्त में भोजन नहीं होता। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि ऐसी योजनाएं लाने के लिए राज्यों को अपने संशोधनों का जन धन जुटाना चाहिए और टैक्स में कमाई करनी चाहिए। मुफ्त की योजनाओं के लिए राज्य अपना बोझ किसी और पर डाल रहे हैं, ये गलत है। राजनीतिक आधार पर वाडमेर पेट्रो केमिकल्स हब के काम को रोकने के सवाल पर सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस को मोदी सरकार को दोष देने का कोई अधिकार नहीं है। इसने गुजरात के लोगों तक पहुंचने के लिए नर्मदा के पानी को रोक दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री की डिक्शनरी एक ही है और वो हर चीज का राजनीतिकरण करते हैं, मैं मुख्यमंत्री का सम्मान करती हूँ। तो अभी आप सुन रहे थे हमारी एक खास रिपोर्ट जिसमें निर्मला सीतारमण ने किस तरीके से विपक्ष पर भी निशाना साधा और साथ में ही पुरानी पेंशन को लेकर के अपनी तरफ से नए नियम लागू कर दिए। अब इस नए नियम के तहत राज्य सरकारों को कितना कुछ भुगतना पड़ेगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट।